हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सूरत में जो TFO काम होता है तो टेंशन पाइप में वायर कैसे जाता है और टेंशन पाइप का अंदर जो छेरा देता है वो कैसे धागा को टेंशन में लाता है। चलो आज के वीडियो में इस तरह शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। हम दिखाया है मेरे किस तरह वायर ऊपर से नीचे जाता है वो दिखाया नहीं। ये देखिए, ये टेंशन पाइप धागा इसका अंदर जाने की वजह से ये धागा टेंशन में आता है और टाइट में रोला में भरता है। नीचे जो कॉप्स है वो कच्चा वाला है और ऊपर पक्का बन के रोला में लपेटा मारा जाता है। चलो देखते हैं किस तरह ये रोला कच्चा माल पक्का बनता है और टेंशन पाइप का सेटिंग हम दिखाएंगे आज के वीडियो में। ये देखिए, कच्चा माल पक्का बनता है। आज के वीडियो में अभी आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ, चार प्रकार का माल है, 30 नंबर का, ब्राइट का, काला और कार्टूनी का। उसका अलग अलग धागा का अलग अलग मोटाई होता है, मतलब जाड़ा माल पतला माल होता है और हर माल अलग अलग माल के लिए अलग अलग छेरा अंदर देते हैं जिसके वजह से वो धागा टाइट आएगा और रोला में लपेटा मार के चलेगा। चलो आज देखते हैं, क्योंकि हर माल का सेटिंग अलग रहते हैं। कोई पतला माल होगा उसमें ज़्यादा छेरा डाल देंगे, बड़ा वाला छेरा डालेंगे तो धागा टूट जाएगा और मशीन में नहीं चलेगा। इसके लिए हर माल का अलग अलग सेटिंग में छेरा डाला जाता है। चलो आज की वीडियो में हम देखते हैं। ये जो माल अभी जिसका छेरा चेंज कर रहा हूँ, ये 30 नंबर का माल का है, 30x14। वो पतला माल है जिसमें पतला साड़ी नेट साड़ी बनता है। चार छेरा डाला मैंने, 6 नंबर वाला, ऊपर भी एक 8 नंबर वाला डाला गया है। और ये जो माल देखा काला वाला, इसका माल का नंबर है 25x36। ये जाड़ा माल है, इसमें डाला जाएगा 4 नंबर, ये 4 वाला नीचे में 8 नंबर वाला छेरा, देखो ये बड़ा वाला डाला गया है, 4 छेरा, देखो ये कितना, ये 4 छेरा 8 नंबर वाला है और ऊपर में एक छेरा है, ये वो भी 8 नंबर वाला है। ये माल जाड़ा है इसलिए इसमें बड़ा वाला छेरा डाला गया है 5x5। अगर छोटा वाला डाला जाएगा तो इसमें अंटी जाएगा, गंठी गंठी बन के रोला में भरेगा और कपड़ा खराब भी आएगा। इसके लिए इसमें बड़ा छेरा डालेगा तो ज़्यादा टाइट आएगा। देखो ये ऊपर में भी एक बड़ा वाला डाला गया है, बड़ा मतलब 8 नंबर वाला। ये 30 नंबर और 50x36 गया। अभी देखो दो गया। अभी ये कार्टूनिक माल का है, कार्टूनिक माल मतलब 50x24 का माल है। जैसे काला में डाला उसमें भी उस तरह 5x5 छेरा डालेंगे 8 नंबर वाला। अगर उसमें एक कम कर दिया जाए तो भी चलेगा, मगर 5x5 8 नंबर वाला डालेंगे उस पर आंटी नहीं जाएगा, मशीन में अच्छे से चलेगा। कोई कोई माल कमज़ोर होता है जिसमें धागा कटता है, इसके लिए उसमें थोड़ा छेरा कम करना पड़ता है, उसका MM कम करना पड़ता है, 8 नंबर के बदले 1-6 नंबर डालना पड़ता है। और इसी माल अच्छा है इसलिए इसमें 5x5 8 नंबर डाला गया है। 50x36 और 50x24 दोनों में सेम छेरा डाला गया। देखो अब ये जो डालने वाला है ये ब्राइट का, ये 40x18 वाला माल है। ये ब्राइट माल इसमें बहुत कम छेरा डाला जाएगा क्योंकि इस बहुत चाल में इसका चाल ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें 2 छेरा डाला नीचे, एक 8 नंबर और एक 6 नंबर। ये देखिए, एक बड़ा और एक छोटा और ऊपर में एक 8 नंबर वाला डाला जाता है, 3 छेरा इसमें डाला गया है। ये देखिए, ये जो रोला चलता है ये हाई स्पीड चलता है, मशीन में जोर से घूमता है, इसके लिए इसका अंदर ढीला रहता है, इसलिए धागा बराबर फटाफट निकल के आ जाता है, आर पार हो जाता है। ये देखो 4 वाला टेंशन पाइप आपके सामने मैंने बना दिया। अब उसको लेके मशीन में लगा देंगे और किस तरह कारीगर लोग इसका आरिया मारते हैं वो भी दिखाएंगे। अभी हो गया 4x4। और ये देखिए कारीगर उसमें आरिया कैसे मारते हैं। ये 30 नंबर वाला माल है, ये देखो रिंग में डाल के, रिंग पहले रिंग में डाला जाता है उसके बाद टेंशन पाइप में डाला जाएगा। देखिए और नीचे से निकाल के आंटी में देके रोला में लपेटा मारेगा। जो TFO काम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं और यहाँ के कहीं करते हैं तो भी आप लोगों को मालूम चल जाएगा इस वीडियो में
कि कौन सा माल में कैसे छेड़ा डाला जाता है, आप देख के भी उस मशीन में सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये 30 नंबर का माल चलता है, नीचे से कच्चा माल लगा गया है, ऊपर पक्का बन के रोला में भरता है। ये देखिए, नीचे का नीचे